फैजान साहब जानते हैं हमारे बीच भारत रत्न लता मंगेशकर नहीं रहे, जब उनका पार्थिव शरीर गया दादर में शिवाजी पार्क में, तो शाहरुख भी आए थे उनको अपना समर्पण देने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि जिस तरह से उनको दिखाया गया है और जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं लोग उनको गलत तरीके से, तो उन्होंने एक अभद्र व्यवहार किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और सबसे बड़ी बात है, एक मुसलमान होकर उन्होंने वो चीज़ निभाया है जो शायद हिंदू संस्कृति में होता है, तो क्या कहना, कितनी बड़ी बात है ये? अच्छा काम करके भी उन्हें बहुत सारा आलोचना मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पर मेरा कहना यही है कि एक बहुत ही दुख की बात है और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि इंडिया में रह के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इंडियंस के लिए ही अगेंस्ट आ जाते हैं, उनके लिए अगेंस्ट बोलते हैं। शाहरुख खान इतना बड़ा नाम है और मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, उन्होंने वहाँ पे फातिहा पढ़ी, लता जी की बॉडी पे उन्होंने पढ़ के फूका, ये एक मुस्लिम रिवाज है, उन्होंने वो फॉलो किया। और देखिए, शाहरुख खान ने प्रणाम भी किया, दुआ भी करी, वो है शाहरुख खान। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं जो, और वो किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं शाहरुख खान, जो इतने बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम इंडिया के बाहर भी रोशन किया है। सो बहुत ही अफसोस हुआ मुझे जो उन्होंने, जो लोगों ने उनको बारे में ऐसा ट्वीट करा, काफ़ी ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी टैगिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे भी पूरा बवाल मच गया है। बहुत गलत बात है कि उन्होंने उनको स्प्लिट किया, थूका, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ही गलत आरोप शाहरुख खान पर लगाया गया है। ये भी कहना चाहूँगा कि कितना गलत होता है जब इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं ट्रोलर के लोग इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ पे, हालांकि उन्हें कुछ असर होता नहीं इस चीज़ का, फिर भी ये कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। बहुत ही ख़राब बात है इंडस्ट्री के लिए, और ख़ास तौर से आप ये देखिए कि कौन इंसान वहाँ खड़ा है। मैं खुद वहाँ पे था शिवाजी पार्क में, उनका फ्यूनरल जब लता जी का हुआ, राज ठाकरे वहीं पे थे, उद्धव ठाकरे जी थे, सचिन तेंदुलकर थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होकर दिल्ली से आए थे खाली फ्यूनरल पे लता जी के, इतने बड़े बड़े लोग ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद ऐसी घटिया सी बातें हो रही हैं, तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए मेरे हिसाब से, और बीच चौराहे पर खड़ा होकर बॉम्बे में जूतों से मारना चाहिए। उर्मिला मातोंडकर जो अभिनेत्री भी हैं और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है उनका, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया शाहरुख को, कहा कि धरोहर रहें शाहरुख, इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती जिन्होंने इतना देश के लिए, देश को नाम रोशन दिया है, बॉलीवुड को पहचान दिलाई है दुनिया भर, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को? उर्मिला मातोंडकर एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और अभी वो सोशल वर्क से भी काफ़ी कनेक्ट हो गई हैं, सो एक एज अ एक अच्छे नागरिक की तरह वो सामने आई हैं और उन्होंने शाहरुख का सपोर्ट किया है। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ शाहरुख खान का कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने दुआ पढ़ के, जो हमारे यहाँ जो मुस्लिम रिवाज होता है, मुस्लिम धर्म में रिवाज है, दुआ पढ़ के डेड बॉडी पर फूका जाता है जिससे उनको जन्नत मिले। सो आज लता जी अगर जन्नत में है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर तो लोगों को खुश होना चाहिए। और ये लोगों ने, कुछ समाज के लोगों ने देखिए धर्म को डिवाइड कर दिया है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, सब अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। आपको ये लगता है कि इस तरह के ट्रोलर जो होते हैं, जो बेबुनियाद एक विवाद खड़ा करते हैं, उन पे कोई एक्शन होना चाहिए कुछ? एब्सोल्युटली उन पे एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन होना चाहिए, बीच चौराहे पे लाना चाहिए। मेरे सामने आ जाएं तो मैं तो सबके सामने इन लोगों को जूते मारूं जो ये सब माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। इतनी अच्छी चीज़ वहाँ पे हुई है, इतनी दुख की बात है, हिंदुस्तान ने इतने बड़े लेजेंड को खोया है और ये छोटे छोटे लोग अपनी कंट्रोवर्सी ला रहे हैं, सो मेरे हिसाब से इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से क्या चाहते हैं कि शाहरुख के खिलाफ जो भी हुआ है, आप क्या निवेदन करते हैं लोगों से कि इस तरह के ट्रोलर्स पे ध्यान ना दें, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पे आप ध्यान नहीं दें। एक बहुत बड़ी चीज़ हिंदुस्तान ने खोई है, एक इतना बड़ा लेजेंड, इतनी बड़ी आवाज़ जो दोबारा लता मंगेशकर जी के नाम पे दोबारा हिंदुस्तान में कभी आ नहीं सकती, वो आवाज़ हमने खोई है, तो बहुत दुख की बात है मुझे भी। थैंक यू वेरी मच।